ये चेक करो भाई साहब, धुआंधार बारिश, सामने की बिल्डिंग ना लिटरली पूरी गायब सी हो गई। तो शाम के बज रहे हैं कुछ 6:30। भाई तुम काहे सेपरेट चल रहे हो, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं पब्लिक है? आज फिर बारिश ने हाल का बेहाल कर दिया। सो हेलो सलाम नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल भाई ऑन बाइक की चैनल पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। अभी शाम के कुछ 8:30 बज रहे होंगे, दिखाते हम आपको। ये रहे 8:20। आज का व्लॉग हम अभी शाम से स्टार्ट कर रहे हैं और न जाने ये व्लॉग कब एंड होगा। जी आज फिर से आया फोन, आप लोग कॉल लॉग लिस्ट चेक कर सकते हैं हमारे भाई का। पिछले एक हफ्ते इतना फोन कर रहे, सीरियसली वो बहुत फोन कर रहे कि मैं जाऊँ शूट, और बहुत सारी बातें हैं मुझे उनके साथ करनी, और बहुत व्यूअर्स हैं जिन्होंने कमेंट किया वो वाले व्लॉग पे, तो उनके लिए मुझे वो व्लॉग बनाना है ताकि वो भी सेटिस्फाई हो रेट्स को लेके, प्रोडक्ट्स को लेके और शॉप का लोकेशन लेके। तो एक ये, दूसरा है हमारा KTM। जी हाँ, 390 KTM और 250 जो न्यू सेगमेंट लॉन्च हुआ, नेकेड वर्जन, नॉट द RC काइंड ऑफ है। जब मैं गुलबर्गा में था, मैं आप लोगों ने देखा होगा पिछले हफ्ते, तो वहाँ पे मैं गुलबर्गा विजिट करने वाला था लेकिन नहीं हो पाया। समहाउ वी आर गोइंग टू विजिट टुमारो KTM साई सर्विस ऑफ वाकड़ेवाड़ी। पहले तो मैं अपना शक्ल दुरुस्त करता हूँ। ये चेक करो, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। मैंने जो है घर आते ही वजू किया, वजू के बाद जो है ना बाल गीले रखे तो ऐसे कली कली से हो गए, तो अब जो है फेशियल करने वाला। ये भाई ये याद आ गया, अच्छा हो गया। ये ऐसे मतलब हेलमेट पहना या फिर कैप भी पहना नमाज पढ़ने के लिए, तो इतना पेन कर रहा है ना, इसके वजह से पूरा ये इस साइड में पार्ट है ना पेन कर रहा है मेरा। व्लॉग शाम से शुरू कर रहा हूँ, इसका मतलब समझ सकते हो कि क्या मेरा दिन गुजरा होगा। आज तो फिलहाल भी बहुत बेहतर गुजरा, ऐसा नहीं है, सिर्फ शाम होते होते मेरा गुस्सा जो है ना बढ़ते गया, और आने के बाद मैंने घर पे गुस्सा निकाल दिया। मैं अपने दोस्तों से भी ठीक से मिल नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई व्लॉग्स। शाम होते होते मेरे इधर तक, मेरे यहाँ तक आता है कि कब मैं व्लॉग शुरू। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, दिस इज द नेक्स्ट डे। इतने लंबे बाल है और ऐसे खींच के छोड़ू ना तो कहाँ तक जाते, और फिर ऐसे करूँगा तो इधर ही मेरी वो राउंड हो जाता है भाई अपने बालों का। जो सुबह सुबह की आवाज़ है मेरी बहुत स्लो आती है और एको बहुत होता है क्योंकि अतराफ में अपने कुछ भी नहीं है ना। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, थोड़ा सा प्लान कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सुबह उठते ही अपने खुराफाती दिमाग में आइडियाज़ आने लगते हैं, प्लानिंग करने लगते हैं, शाम होते होते वो किधर गायब हो जाते हैं उसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं होता। इसके बाद जो है मैं लिखना स्टार्ट करने वाला हूँ। आज के जो वीडियो में आप लोगों को ये यानी कि मोटो व्लॉग देखने को मिलेगा, और ये चेक करो, उस दिन के बाद से मैं घड़ी आज पहन रहा हूँ, अभी तक इसको कनेक्ट किया हुआ नहीं है, यानी कि ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ता है। ये ब्लूटूथ से पेयर करने के बाद में सब इसका फंक्शन चालू हो जाते हैं। तो मेरा दिन का व्लॉग जो है ना 3 हिस्सों में डिवाइड है। एक तो पहले डेली व्लॉग करना है, उसके अंदर में 2 कमर्शियल शूट है, और मेरी फेवरेट उसमें से एक ये है कि KTM को मैं चलाना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ जो न्यू बाइक आया है। तो मुझे उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, ना ही कोई यूट्यूबर, ना ही कोई ऐसे जिनके थ्रू मुझे न्यूज़ मिल सकती है। है तो डायरेक्टली शोरूम में शोरूम सेल्स वाले और मैनेजर जो कि मेरे बहुत पुराने पहचान के हैं। आज ही शायद आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिलेगा। जो भी जैसा भी आज के दिन का प्लान, बने रहो ब्लॉग के एंड तक, और डू सपोर्ट मी विद अ सब्सक्रिप्शन प्लीज़। ज़रूर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और व्लॉग को जो है लास्ट तक ज़रूर देखें। सुबह तुमको लून है ना तो दिन ना जाए मेरा अच्छा, भले कितने परेशानी क्यों ना हो। हमारा लड्डू, हमारा हंजू बस अब पूरा मेरी ग्राउंड करने लग गया, ये भी पूरे बेड पर सोहा वो गई है नीचे इसके लिए नाश्ता लाने के लिए, यानी कि अभी इसके नाश्ते की तैयारी होने वाली है, और मेरा नाश्ता तो शायद ही होगा घर में या तो फिर बाहर करेंगे, जो भी जैसे भी प्लान करते हैं। और ये देखो कैमरे में कैसे घूमते हैं। हमें भी जाना है काम पे, और आज के दिन की शुरुआत करते हैं।
तो हम हो चुके हैं गाइस फाइनली रेडी। ये देख रहे हो, और ये जो बटन्स मैं नहीं लगाता, ये सलमान खान का स्टाइल है और हम उसके बहुत बड़े फैन हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई हम नहीं लगाएंगे। सो लग रहे ना भाई अपन एकदम मस्त टाइट। तो नारियल दोपहर में आके तोड़ता हूँ सो, ठीक है? नारियल यानी कि यहाँ अच्छा पे है, कल। आप तोड़े तो सुबह सुबह पीछे। हाँ ना, लेकिन देखो सुबह सुबह मैं आधे घंटे पहले रेडी तो हो चुका हूँ, और 10 मिनट से मैं इधर उधर थोड़ा सा रेडी होने में और इसमें टाइम पास कर रहा हूँ बाल बाल बनाने में। अब ओह देखो माय कल गॉड, यहाँ पे मैंने नारियल तोड़े थे दो, यहाँ के वो भी नीचे वाले बालकनी से। आज देंगे हम दोपहर में दो तीन नारियल जो भी हाथ को लगे जीते। ओ भाई तुम काहे सेपरेट चल रहे हो, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं पब्लिक है? अरे वॉकिंग छोड़ो, अब तो जॉगिंग चालू हो गया। ये चेक करो, ए ईमान वालों नमाज कायम करो। ये चेक करो भाई साहब, सब चार्जिंग वार्जिंग सब कुछ हो गया, और अब हमें जाना है गाइस फंक्शन पे। क्या ही बताऊं, बारिश मतलब वो क्या बोले, बारिश का की किया जाए क्या जाए भाई भाई। गाइस ये बारिश ने सच्ची में पूरा का पूरा वातावरण खराब कर दिया, मेरा पूरा मूड लिटरली। मैं आज घर आया काम खत्म करके, आफ्टरनून में मुझे जाना था, अपॉइंटमेंट मेरा था, एक साथ मीटिंग भी थी, दोनों चीज़ रुक गई। तीसरा वीडियो शूट था वो भी ख़त्म, रुक गया। बारिश जो लगी, जो अब तक रुकने को नाम नहीं ले रही, रुकने से जितने भी लोग जानते हैं देख रहे, जिन्हें पता है उन्हें पता है बारिश ने क्या हाल करके रख दिया। ये चेक करो आज हमारे स्टूडियो में क्या ही सजावट हो के रखी हुई। उधर जाना आज मना है, अभी सो रहा है वो धीरे धीरे, अभी फंक्शन में जाना है तो उसको थोड़ा सुलाते हैं, फिर नाश्ता पानी होगा उसका, फिर उसका फीडिंग होगा, और फिर उसके बाद हम लोग उसको लेके निकलेंगे फंक्शन के लिए। गाइस सच्ची में सीरियसली एज अ ब्लॉगर पूरा दिन का वाट लग जाता, शाम को ब्लॉग करना ही नहीं चाहिए, पूरा दिन ब्लॉग करना चाहिए ऐसा लगता है मेरे को। लाइक मॉर्निंग टू आफ्टरनून ब्लॉग करो, क्योंकि आफ्टरनून के बाद जो बारिश लगती है 4-5 बजे के बाद से, तो पूरी रात बारिश रहती है और मैं ब्लॉग नहीं कर पाता, क्या बताऊँ। ओह माय गॉड, ये पाउडर कहीं का लग गया। अरे रे रे रे, चेक करना पड़ेगा, ये सो को पता चल गया ना तो लग गई। और ये देखो हमारा लड्डू यहाँ पे सो रहा है, मेकअप के सामान यहाँ भी पड़े हैं। एंड आप लोगों को बताओ, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो आप लोगों को बताना, मेरी सुहा जो है कहाँ से रही? सुनो ना, तुम कहाँ से किए वो सर्टिफिकेट का? लैक्मे से जो है, कि ये जितने भी आप प्रोडक्ट्स और ये सब देख रहे हो ये सब हमने परचेज किया, और लैक्मे से इसका कोर्स हो गया। शी इज़ अ प्रोफेशनल सर्टिफाइड, सर्टिफिकेट वगैरह शायद नहीं आया अभी, तो वो भी आने वाला है, तो मेकअप आर्टिस्ट के नाम से वो जानी जाएगी सर्टिफिकेट आने के बाद गाइस। क्योंकि क्या है ना, शादी के बाद कुछ ना कुछ सिखाना भी ज़रूरी है, इसलिए हमने उनसे पूछा कि क्या सीखना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो, तो उन्होंने बोला हमें ये सब कुछ करना है तो करो भाई। अब ऐसा है कि डी फार्मेसी वगैरह कुछ पढ़ना है तो वो भी करेंगे धीरे धीरे आगे आगे। पाउडर लगाने के बाबू को, और फाइनली हम हो चुके हैं रेडी फुल एकदम मस्त। मरून पहना है मैंने, इसको येलो पहना है, लाइट क्रीम येलो कुछ ऐसा। और ये चेक करो भाई, अब देखो ना ही पाउडर की ना ही कुछ, सिर्फ बालों की ज़रूरत है, बाल तो हमने बना लिए और आज पहना हूँ। चेक योर, तो ऐसे कुछ फॉर्मल्स हम दिख रहे हैं, टाइम हो गया। और ये देखो फाइनली 8 बज गए, मगरिब के बाद इतना टाइम लग गया, और मैंने अभी जस्ट आयरन कर लिया अपने ड्रेस को। बारिश अभी तक नहीं रुकी जी, नहीं 1 घंटे से नॉन स्टॉप चालू ही है मगरिब के नमाज से। हटो जी छोड़ो, मतलब मेरे ऑडियंस ही है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले मूड में हूँ मैं, एंड एक बात होती है ना, एक चीज़ की वो जो खुशखबरी होती है पहले अपने लोगों को सुनाई जाती है, तो यस मैं तो टोटली रेडी हो चुका हूँ अभी, सिर्फ बालों को ये स्ट्रेटनिंग करना बाकी है। एंड ये चेक करो, जो डी टैन वगैरह जो टैनिंग होता है वो सब कुछ जो है धीरे धीरे जा रहा है, सो माय स्किन इज़ गेटिंग रिकवर। और ये पिंपल इतना बड़ा हो गया है, ये पिंपल जो है इतना बड़ा हो गया ना कि इस साइड का पूरा पार्ट है ना मेरा, पिछले 3 दिन से नॉन स्टॉप दुखे जा रहा है,
लेकिन हमारी दिन की रुकावट बिल्कुल भी नहीं, हमारी जो काम है, हमारे जितने भी काम है पूरे दिन भर के वो हो रहे हैं। उसकी टोपी और वो सब कुछ पहन नहीं सकते बिकॉज यहाँ पे जैसे ही उसका बॉडी लाइन आता है तो ये पूरा दुखता है। अभी भी थोड़ा बहुत पेन हो रहा है, सुबह जैसे ही उठा मैं इतना हेड पेन हो रहा था बिकॉज ऑफ दिस। कैसे न तैसे उसको वॉश आउट किया, अब थोड़ा सा बचा है, थोड़ा हार्ड हो गया, पिछले 3 दिन से नॉन स्टॉप हो ही जा रहा है। ये चेक करो, सुबह के अभी बज रहे ऑलमोस्ट 9 चुका ऑलरेडी। यू नो माई हैंड कफ्स लाइक दिस ओपन। एंड एक जो खुशखबरी की मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ में, वो होने वाली है इंदौर की राइड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लास्ट तक अगर इस वीडियो को देख रहे हो आप लोगों को खुशखबरी मिल चुकी होगी, वरना ऐसे मेरे बहुत सारे है व्यूअर्स जिनको मैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी अपडेट कर दूंगा कि मैं इंदौर जा रहा हूँ। इंदौर की राइड जो है मेरी फाइनल हो चुकी है। ये चेक करो, हमारी मैडम ने ना नारियल वारियल खा लिया सुबह सुबह भंगार वाले। चलिए जी कोई बात नहीं, सबके अपने अपने काम है, मेरा भी मेरा काम है। सो पिछले 3 दिन से आप लोग देख रहे हो नॉन स्टॉप आई एम व्लॉगिंग शुरुआत से ही, एंड मेरे प्रॉपर व्लॉग्स नहीं बन रहे, सॉरी फॉर दैट। दिल से आप भी जो है मुझे सपोर्ट करो इस चीज़ में और कमेंट करो कि मैं और इसको और कैसे सुधार सकता हूँ, क्योंकि देखो मेरा काम कुछ और है। मैं किसको बनाना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया आप लोगों को, तो पिछले 3 दिन से मैं नॉन स्टॉप ब्लॉगिंग कर ही जा रहा हूँ। जितने भी पार्ट्स मुझसे कैप्चर हो सकते हैं, जो भी मेरे से कैप्चर हो रहा है मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन ऑलमोस्ट आप लोगों ने मेरे अभी पिछले 10-15 दिनों में सिर्फ गम वाली वीडियोज़ ही देखे होंगे, नॉट दैट प्रॉपर। लेकिन अब से शायद इंशाअल्लाह बनेगा सीरीज इंदौर वाला। जी हाँ, राइड का मज़ा आने। यस, आज है अक्टूबर 2nd ऑफ अक्टूबर, गांधी जयंती, एंड आज जो है बहुत सारे लोगों को छुट्टी है लेकिन हमको फिर भी नहीं है, हमें अपना काम करना है। और ये व्लॉगिंग के लिए मैंने जो है अपने कैमरे में इस चीज़ को ट्राई किया, यहाँ से देखो चार्जिंग को रखा हुआ है, ये माइक निकाला, इसमें पोर्ट किया और फिर फ़ोन में लगाया कि मैं सब कुछ चेकआउट कर सकूँ कि सब कुछ बराबर चल रहा है या नहीं। बिकॉज अगर मेरे उसमें नहीं चल रहा है हेलमेट में आवाज़ के लिए, तो आई विल डू समथिंग चेंजेस। देखो ये सब जुगाड़ तभी करते हैं जब पैसा नहीं होता है। मैंने कैसे न कैसे अपनी सेविंग्स हमने इस राइड के लिए की है, और भी हंजला है हमारे पास, बीवी बाल बच्चे वाले आदमी भाई, सब खर्चा देख के समझ के करना पड़ता है। हम क्या यूट्यूब के सुपरस्टार्स नहीं है और पूरा स्टार्डम हमारे पास ही नहीं है। अब आप लोगों की मेहनत भी इसके अंदर लगने वाली है कि आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, और ब्लॉग्स को थोड़ा बहुत शेयर करो अपने फ्रेंड्स तक। तो 2nd ऑफ अक्टूबर, टुडे इज मंडे, और ये ब्लॉग को मैं कैसे न कैसे आज ही अपलोड कर दूंगा। और आज का जो ब्लॉग है वो बनाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फिया मानी ला, बी गुड, डू गुड, टेक केयर।